वी हैव टू जस्ट टेक दिस टर्म, और अगर इवन पावर है तो पाई बाय टू लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल सॉल्व भी किए थे, व्हाट दिस वन cos रेज टू 6, cos का हमारे पास रिडक्शन फार्मूला क्या है, फॉर ऑल दी यहाँ पे न्यूमरेटर में सॉरी जो पावर रहेगा उसको रिड्यूस करते जाएंगे न्यूमरेटर में बाय ऑड टर्म एंड डिनोमिनेटर में इवन टर्म। तो अब यहाँ पे हमारे पास 6 है पावर में, तो 6 को ऑड टर्म से माइनस करते जाएंगे, 6 - 1 - 5, 6 - 3 - 3, 6 - 5 - 1। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्म नहीं लेना है हमको, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव तक रुक जाना है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिक्स नहीं करेंगे। अब यहाँ पे इसके बाद क्या रहता है, ऑड टर्म 7 रहता है, तो 6 जो हमारे नंबर से बड़ा है वहाँ पे रुक जाना है। अब डिनोमिनेटर में 6 - 2 - 4, 6 - 4 - 2, और 6 इसके बाद क्या आ जाएगा, 6 - 6 - 0, तो वो नहीं लेंगे, पॉजिटिव टर्म और नॉन जीरो टर्म। फिर ये पावर हमारे पास इवन है इसलिए पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर लास्ट में खाली इसको मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करना है। सेम इस टाइप के हम एग्जांपल्स भी इसको रिडक्शन फार्मूले को यूटिलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं। जब भी डिनोमिनेटर में यहाँ पे माइनस की टर्म रहेगी तो वहाँ पे साइन थीटा रख देंगे, तो साइन थीटा रख देंगे तो ये पूरा इंटीग्रल हमारे सब्सटीट्यूशन से इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, sin^7। और sin^7 का हमारे पास यही पैटर्न में हम यूटिलाइज किए, ठीक है। So this was just a brief revision for such type of reduction formula. So now let us move towards the reduction formula for the remaining one. Okay, see, we want to solve this integral. Integral mein limit kya hai, dekhi, 0 to pi integral over root 1 minus cos x, 1 plus cos x, sin square x, dx. Till now, we know only the result of ye reduction formula. Sin ka power chahiye ya to cos ka power chahiye. तो उसके लिए भी एक रिक्वायरमेंट है, इंटीग्रल 0 to π/2 चाहिए हमको। सो सी द लिमिट इज 0 to π, एंड इफ वी यूज हियर ट्रिग्नोमेट्री आल्सो वी रिक्वायर दिस 0 to π/2। तो इसको हाफ सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट x = 2θ। तो x की पोजीशन पे 0 रखेंगे तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। x की पोजीशन पे पाए रखेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आके डिनोमिनेटर में पाई बाई 2 हो जाएगा, तो लिमिट विल बी कन्वर्टेड 0 to π/2। 1 - cos x की जगह पे 2θ, 1 + cos x की जगह पे 2θ, sin² x की पोजीशन पे 2θ, dx मीन्स 2 एज इट इज कॉन्स्टेंट dθ। सो ये 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। 1 - cos 2θ का स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में 2 sin²θ। तो साइन स्क्वायर स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके तो ये सिर्फ साइन थीटा बचेगा, रूट टू एज इट इज, और 1 + cos 2θ 2 cos²θ होगा, सो दिस इज 2 cos²θ। और यहाँ पे साइन स्क्वायर टू थीटा है तो साइन 2θ का वैल्यू रख देंगे, ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, sin²θ इज 2 sin θ × cos θ होल स्क्वायर, राइट। सो अब यहाँ पर देखो ये होल स्क्वायर है, मतलब ये 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर और ये साइन, तो साइन क्यूब हो जाएगा, और ये 2² मतलब 4, और ये डिवाइडेड बाय 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 4√2 बचेगा, तो उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, 4√2 इंटीग्रल 0 to π/2 sin³θ dθ। यहाँ से साइन, यहाँ से साइन, ये टोटल स्क्वायर, इसलिए साइन स्क्वायर लॉ ऑफ इंडाइसिस से साइन क्यूब हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर कैंसिल होके यहाँ से 4√2 बचेगा, ये 2 कैंसिल, 4√2 बाहर, ठीक है। अभी समझ में आ गया, समझ में आया क्या? ओके, सो नाउ जी, सो वी हैव टू यूज अवर रिडक्शन फॉर्मूला फॉर दिस। So what reduction formula says, either sin, क्या करना है, simply इसको sin raise to n में n minus 1, n minus 3 odd values deduct करते जाएं, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 है, तो 3 - 1 - 2, 3 - 3 मतलब 0 है, तो 0 value और negative नहीं लेते हम, so that is 2 only, denominator में 3 और 3 - 2 1,
और 3 माइनस 4 नहीं लेंगे तो 3 माइनस 2 1 into 3 3 तो 2/3 और π/2 इवन के लिए लेते ये ऑड है तो 2/3 into 4√2 दैट इज 8√2/3 सो दिस इज द फाइनल वैल्यू रिडक्शन फार्मूला फॉर सिंगलटन साइन एंड सिंगलटन कॉस लेकिन अगर दोनों मल्टीपल में रहे तो उसका रिडक्शन कैसे करना है साइन रेस टू एम पहले आपको सिंगल टन का पता रहना जरूरी है सिंगल टन क्या है सिंगल टन मीन्स साइन अगर है सिर्फ साइन है तो उसका क्या है साइन का 1 पावर का कॉस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एन ये पावर प्लस एन माइनस वन एन और साइन का पावर 2 से माइनस कर लें सेम कॉस के लिए भी वही रूल है कॉस का 1 पावर का मल्टीपल ऑफ साइन डिवाइडेड बाय एन और एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन इंटीग्रल ऑफ कॉस का 1 2 पावर कम कर तो सेम पैटर्न में यहाँ पर साइन का 1 पावर कम कर देना है एम माइनस वन पहले साइन को कंसिडर करके साइन का 1 पावर कम कर देंगे कॉस का 1 पावर ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर में दोनों का एडिशन एम प्लस एन और प्लस की टर्म में इसका 1 माइनस करें इसलिए एम माइनस वन डिवीजन में एम प्लस एन रहे दोनों के डिवीजन में एम प्लस एन रहेगा इतना याद रख लेना और इंटीग्रल के अंदर साइन का 2 पावर कम कर देंगे कॉस को एज इट इज रखेंगे ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रल इनडेफिनेट इंटीग्रल के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर 0 to π/2 लिमिट है तो उसका रिडक्शन क्या हो जाएगा ये साइन का जो पावर है और कॉस का जो भी पावर है न्यूमरेटर में उसको ऑड वैल्यू से माइनस करेंगे 1 3 5 और ये एन को भी 1 3 5 राइट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड कर लेंगे पहले जो भी रहेगा यहाँ पे 5 + 10 7 + 4 जो भी रहेगा ऐड करके उसको एज इट इज रखेंगे एम प्लस एन फिर उसमें से इवन माइनस करेंगे एम प्लस एन माइनस टू एम प्लस एन माइनस फोर लाइक बाई और अगर दोनों भी इवन है यहाँ पे 4 है यहाँ पे 8 है तो उस सिचुएशन में π/2 मल्टीप्लाई करें तो एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स वी वांट टू कैलकुलेट द इंटीग्रल ऑफ साइन रेस टू 4 कॉस स्क्वायर तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है रिडक्शन फार्मूले के साइन रेस टू एम कॉस रेस टू एन के तो ये रिडक्शन फार्मूला हमको क्या बोलता है ये साइन का जो भी पावर है उसको 1 से माइनस करना है और कॉस का जो भी पावर है उसको 1 से प्लस करना है और डिवीजन में दोनों के पावर को ऐड करना है प्लस करना है ये फैक्टर से एम को 1 माइनस करके एम प्लस एन से ये वाला फैक्टर और इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करना है जिसके अंदर साइन का पावर 2 से माइनस करना है और कॉस को जो भी पावर है एज इट इज रखना है तो यहाँ पर हमारे पास एम की वैल्यू है 4 और एन की वैल्यू है 2 तो उसी को यूटिलाइज करें हमने एम माइनस वन करना है तो ये माइनस की टर्म साइन के पावर में 4 - 1 3 हो जाएगा और कॉस के पावर में 1 ऐड करना है 2 + 1 3 और डिवीजन में एम प्लस एन मतलब 4 + 2 6 प्लस एम माइनस वन मतलब 4 - 1 डिवाइडेड बाय एम प्लस एन मतलब 6 ये वाला फैक्टर और इंटीग्रेशन में साइन का जो भी पावर है उसको 2 से रिड्यूस करना है तो 4 - 2 2 और कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वन अब यहाँ पर ये वाली टर्म तो फ्री फ्रॉम इंटीग्रल है लेकिन इसके अंदर इंटीग्रेशन की टर्म है अब ये इंटीग्रेशन को रिजॉल्व करने के लिए अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे दिस इज अगेन इन दिस फॉर्मेट साइन रेस टू एम कॉस रेस टू एम वापस से फिर इसको रिजॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला व्हाट दिस फार्मूला सेज रिड्यूस द पावर ऑफ साइन बाय 1 तो यहाँ पे पावर ऑफ साइन इज 2 सो रिड्यूस दैट बाय 1 सो दैट इज 2 - 1 सो साइन रेस टू 1 मीन साइन एक्स एंड एड और सब्स्टिट्यूट एडिशनल 1 टू कॉस पावर कॉस के पावर में 1 ऐड करना है तो 2 + 1 3 डिवाइडेड बाय 2 + 2 दैट इज 4 नाउ प्लस ये वाला फैक्टर एम माइनस वन मीन्स 2 - 1 दैट इज 1 और एम प्लस एन मीन्स 2 + 2 4 और इंटीग्रेशन के अंदर साइन का जो भी पावर है उसको 2 से रिड्यूस करना है 2 - 2 क्या हो जाएगा 0 सो एनीथिंग लेस टू 0 1 हो जाएगा इसलिए उसको नहीं लिखेंगे कॉस स्क्वायर को एज इट इज अब ये कॉस स्क्वायर अब ये किसकी वैल्यू है टोटल ये वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू है लेकिन ये वाली तो वैल्यू फ्री फ्रॉम इंटीग्रल है इसके अंदर और एक इंटीग्रल है
इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की यूज करके या फिर सिंगल हमारा रिडक्शन फॉर्मूला यूज करके। तो हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लिए, कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो 1 बाय 2 को आउटसाइड ले लेंगे। 1 प्लस कॉस 2 थीटा मीन्स इसके स्टैंडर्ड वैल्यूज है 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x by 2। तो ये वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट अप कर दिए, तो ये पूरी वैल्यू फ्री फ्रॉम इंटीग्रल हो जाएगी। सो ये दोनों के पास से हमने 1 बाय 2 कॉमन लेंगे, इसके पास 1 बाय 2 नहीं है तो यहाँ पे 2 मल्टीपल हो जाएगा, 1 बाय 2 बाहर ले लेंगे तो 1 बाय 4 हो जाएगा 2x प्लस साइन 2x। तो 1 बाय 4 इंटू दिस 1 बाय 4 16, ये 2x प्लस साइन 2x। सो दिस इज द टर्म ऑफ दिस इंटीग्रेशन, यहाँ पे रख देंगे तो ये टोटल वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास ये इंटीग्रल की। तो ये इंटीग्रल की जो वैल्यू है हमने यहाँ पे रख देना है और ये टर्म एज इट इज हो जाएगी। सो दिस टोटल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिस टर्म एज इट इज प्लस यहाँ पर जो 3/6 है, ये 3/6 रहेगा, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर 1/2 लिख दिया मैंने, ये माइनस इसकी टर्म क्या मिली हमको, ये वाली टर्म को करेक्ट कर लो थोड़ा सा, 1/2 के बजाय ये 3/6। सो करेक्ट दिस बाय 3/6, ये अब इसको कट ही कर देते, इसके बजाय ये वाली टर्म यूज करना है आपने 3/6। सो 3/6 इंटू दिस टोटल टर्म इन साइड द ब्रैकेट, this minus sin x cos cube x 4 and 1 by 16 2x sin 2x. So this is total value of this integration. Now clear this. अब इसमें जो doubt है वो पूछो। Our question is what? Cos raised to 4 sin cube 6 theta d theta. तो ये 6 को हम अब ये दोनों को compare करेंगे तो हमको reduction formula है 0 to pi by 2, तो ये 0 to pi by 6 है और यहाँ पे 3 थीटा 6 थीटा है। तो ये 3 थीटा को हम अगर 2 into 3 थीटा लेंगे तो साइन 2 ऑफ थीटा के फॉर्मेट में है, तो 2 sin 3 theta into cos 3 theta हो जाएगा। इसको हम sin 6 theta कैसे लिख सकते हैं, 2 into 3 थीटा, तो 2 into sin 3 theta cos 3 theta, sin 2 theta का फॉर्मूला है, या फिर sin 2 a का फॉर्मूला है, 2 sin a into cos a। तो a की जगह पे अगर 3 थीटा हो गया तो 2 into 3 theta मतलब 2a, a की पोजीशन पे 3 theta, sin 3 theta into cos 3 theta। अब इसका क्यूब लेंगे तो 2 क्यूब क्या हो जाता है, 8 sin क्यूब और cos क्यूब, और ये cos raise to 4, दोनों का एंगल 3 थीटा है इसलिए cos raise to 7 3 थीटा। अब यहाँ पे 3 थीटा और ये 5/6 प्रॉब्लमेटिक है, तो 3 थीटा की वैल्यू रख देंगे हम x। सो 3 डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू dx। वेन थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 5/6 अपर लिमिट रखेंगे, 3 into 5/6 5/2 हो जाएगा। सो द लिमिट विल चेंज 0 to π/2, और ये d थीटा हमारे पास है तो ये dx डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा d थीटा का वैल्यू, तो 1/3 आउटसाइड ले लेंगे ये dx एज इट इज, और ये साइन क्यूब x cos raise to 7 x। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो m माइनस, यहाँ पे m की पोजीशन 3 है और n की पोजीशन 7 है, सो m माइनस 1 मीन्स 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 3 0 होता है इसलिए यहाँ पे स्टॉप कर देंगे m का। अब 7 माइनस 1 दैट इज 6, 7 माइनस 3 दैट इज 4, 7 माइनस 5 दैट इज 2, फिर उसके बाद 7 माइनस 7 हो जाएगा तो वो स्टॉप कर देंगे। डिनोमिनेटर में दोनों का एडिशन 7 + 3 10 होगा, सो 10 एज इट इज, 10 - 2 8, 10 - 4 6, 10 - 6 4, 10 - 8 2, 10 - 10 0 होता है इसलिए वहाँ स्टॉप कर लें। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, और ये दोनों का अगर इवन है तो ही पाई बाय 2 मल्टीपल में रहेगा, यहाँ पे दोनों इवन नहीं है, एक दोनों ऑड है 7 और 3। So this 2 get cancelled, 4 get cancelled, 6 get cancelled, and this 8 get cancelled, and this 2 5s are 10. So 2 into 2 5s are 10 हो जाएगा, 5 into 3, so that is 1 by 15. Okay, now if you have any doubt, you can ask.
सिंपली बाय पुटिंग x इज इक्वल टू sin t, dx की वैल्यू हो जाएगी cos t dt, x इज इक्वल टू 0, सो t x 0, sin t कब 0 होगा, t 0 रहेगा, x इज इक्वल टू 1, सो sin t कब 1 होगा, t इज इक्वल टू पाई बाय 2, सो दिस वैल्यू इज sin रेज टू 4 विद इन 0 टू पाई बाय 2 एंड दिस 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर रेज टू 3 बाय 2 एंड dx वैल्यू इज cos t dt. So this 2, 2 will get cancelled, cos cube into cos, cos raised to 4, sin raised to 4, cos raised to 4. And with the help of this reduction formula, m minus 1, m minus 3 likewise. So this is 4, so 4 minus 1, 3, and 4 minus 3, 1. Likewise, this is also 4 minus 1, 4 minus 3, and divided by 4 plus 4, 8. 8 minus 2, 6, 8 minus 4, 4, 8 minus 6, 2, 8 minus 8, 0. So 2, 1. एंड दोनों भी इवन टर्म है इसलिए फाइव बाई टू से मल्टीपल करेंगे और इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दिस 3 टू द 6 एंड सिंपलीफाई करो दिस इज 3 पाई बाय 256 इन दिस वे एनी इंटीग्रल विद इन द रेंज 0 टू पाई बाय 2 वी कन्वर्ट दैट इन द फॉर्मेट ऑफ मल्टीपल ऑफ साइन एंड कॉस देन विद द हेल्प ऑफ दिस रिडक्शन फार्मूला यू कैन इजीली फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर डेफिनेट इंटीग्रल ऑल्सो इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑल्सो ठीक है दोनों टर्म समझ में आ गए सिमिलर वे रिडक्शन फॉर्मूला फॉर एक्स रेस टू एन ई रेस टू एक्स विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी कैन फाइंड आउट दिस इज व्हाट एक्स रेस टू एन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस सो दिस इज आई एन सो एन बाय ए आउटसाइड ले लेंगे तो आई एन माइनस वन तो दिस इज द रिडक्शन फार्मूला फॉर दिस सेम वे में इसको आई एम एन अगर कंसिडर करेंगे तो दिस विल बी द रिडक्शन फार्मूला फॉर दिस यू कैन फाइंड आउट दिस विल सी द एग्जाम्पल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर